हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शारदा। तो जैसे कि हमारे पंत प्रधान मोदी जी ने कहा है कि हमको 7 बातों का पालन करना है, तो उसी के बारे में मैंने वीडियो आगे बनाया है कि जैसे कि उन्होंने हमको बोला है कि जो आयुष मंत्रालय ने हमको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी निर्देश दिए है उसका पालन हमको करना है। तो अभी उन्होंने क्या निर्देश दिए है तो उसी के बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। तो देखिए, अगर हमको सेल्फ केयर करनी है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो हमको तो कुछ निर्देश उसका पालन तो करना जरूरी है। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन आयुर्वेदिक लिटरेचर एंड साइंटिफिक पब्लिकेशंस फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स एंड बूस्टिंग इम्यूनिटी विथ स्पेशल रेफरेंस टू रेस्पिरेटरी हेल्थ। तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने हमको क्या किया है कि जो आयुर्वेदिक लिटरेचर है या फिर साइंटिफिक पब्लिकेशन से उसके आधार पर हमको हेल्थ मेजर्स बताए हैं और हमारे इम्यूनिटी कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं उसके बारे में हमको कुछ ये हमको हेल्थ टिप्स दिए हैं सेल्फ केयर के लिए। तो इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर्स फॉर सेल्फ केयर, तो पहला तो है मेजर्स फॉर एनहांसिंग इम्यूनिटी। तो हमको हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है, तो देखिए हमको क्या करना है, दिन भर गर्म पानी पीना है पूरे दिन भर। जी हाँ, क्योंकि क्या है कि ये जो कोरोना वायरस के विषाणु है वो गर्म पानी से मर जाते हैं। मतलब अगर गर्म जहाँ पे गर्मी हो, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो, वहां पे वो ये विषाणु टिक नहीं पाते है। तो अगर आप हमको कोई भी ठंडी चीज नहीं खानी है, ज्यादा ठंडी चीजें हमको अवॉइड करनी है और हमको ज्यादा से ज्यादा गर्म चीजें ही खानी है। जैसे कि गर्म पानी तो दिन भर लेना ही है, लेकिन अगर हम नाश्ता करें, खाना खाएं, तो वो भी अगर हम गर्म गर्म खाएंगे तो वो हमारे लिए और भी अच्छा रहेगा। फिर हमको क्या करना है, रोज हमको योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है एटलीस्ट 30 मिनट्स। मीन्स दिन के आप 30 मिनट तो निकालिए खुद के लिए, जिसमें आप प्राणायाम, योगासन और मेडिटेशन कर सकते हो। तो इससे भी हमारी इम्यूनिटी लेवल बढ़ती है, क्योंकि हमारे जो हेल्थ में सुधार आता है, हमारा माइंड जो है वो बहुत ही रिलैक्स हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, और जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। फिर हमारे रोज के खाने में जो भी स्पाइसेस यूज होते हैं, अभी रोज तो खाने में हम ये स्पाइसेस यूज करते हैं, जैसे कि हल्दी है, जीरा, धनिया, लहसुन, तो ये हमको रोज यूज करने हैं खाने में, जिससे इम्यूनिटी बढ़ने में हमको मदद मिलेगी। तो ये तो आयुर्वेदा में बताया गया है कि ये जो स्पाइसेस है हमारे रोज के खाने में होने ही चाहिए और हम तो रोज इस्तेमाल करते ही है। फिर क्या है, सिंपली आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स। तो इसमें क्या होता है, नसल एप्लीकेशन। तो क्या करना है हमको, रात को सोने से पहले या फिर सुबह और शाम आप दो बार ये कर सकते हैं। सीसम ऑयल है, मीन्स तेल का तेल है, या फिर कोकोनट ऑयल है, कोई भी आप तेल लीजिए और अपने दोनों नाक के अंदर उसे 2-2 ड्रॉप्स डालिए सुबह और शाम। तो ये एक आयुर्वेदिक मेथड है, आयुर्वेदिक उपचार है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में हमको मदद करता है। फिर ऑयल पुलिंग थेरेपी, ये क्या है, फिर हमको 1 टेबलस्पून क्या करना है, फिर से तिल का ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल लेना है और हमको उसको मुंह में डालना है, चम्मच में लेना है, मुंह में डालना है 1 टीस्पून। हमको इसे पीना नहीं है, हमको जस्ट इसको मुंह बंद करके इस पूरे तेल को घुमाना है 2 से 3 मिनट तक पूरा, ताकि वो पूरे हमारे मुंह के अंदर वो सब जगह वो तेल लग जाए। फिर उसके बाद हमको उसे थूक देना है और फिर गर्म पानी पीना है उसके ऊपर। तो ये भी हमको दिन में 2 बार करना है, इससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ने में हमको बहुत ही फायदा मिलेगा। फिर आयुर्वेदिक इम्यूनिटी एनहांसिंग टिप्स, ये क्या है, तो हमको देखिए, हम जब छोटे थे तो हमारे घर में हमारे माता पिता है या दादा दादी जो भी है च्यवनप्राश लाते थे, तो च्यवनप्राश हम पहले से भी खाते थे। लेकिन अभी जो मतलब बोले टीवी का असर है या फिर एड्स का असर है, तो आजकल बच्चों को तो सिर्फ बोनविटा, कॉम्प्लान, हेल्थ ड्रिंक्स, कैलॉग, शोकोज ये सब ही देते हैं।
तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा। आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आपको च्यवनप्राश रोज खाना जरूरी है। तो रोज 1 टीस्पून सुबह उठते ही च्यवनप्राश खा लीजिए। और अगर अगर डायबिटिक पेशेंट है तो शुगर फ्री च्यवनप्राश भी मिलता है, तो वो आप डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज कर सकते हो। तो च्यवनप्राश से भी इम्यूनिटी बढ़ने में बहुत ही मदद मिलती है। अभी हम दिन में चाय कॉफी बहुत सारे पीते, अभी तो घर में है तो लगातार चालू रहता है, लेकिन देखिए इसको जितना अवॉइड कर सकते हो उतना कीजिए। हमको क्या लेना है, हर्बल टी या फिर काढ़ा लेना है जिसमें तुलसी है, दालचीनी, काली मिर्च, सूंठ, मनुका, तो ये सारे डाल के जो काढ़ा बनता है ये, या फिर हर्बल टी हमको लेनी है जिसमें हम स्वीटनेस के लिए हम जैगरी डाल सकते हैं या फिर लेमन जूस डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। तो थोड़े थोड़े अलग अलग मेथड्स, थोड़े थोड़े कम ज़्यादा करके आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे बना सकते हो। तो ये पीने में भी बहुत स्वादायक रहेगा और हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद रहेगा। फिर गोल्डन मिल्क, गोल्डन मिल्क क्या होता है, देखिए हमको क्या लेना है, 1/2 टीस्पून हल्दी लेनी है और इसको गर्म दूध में मिलाना है। तो ये हो गया हमारा गोल्डन मिल्क। तो गोल्डन मिल्क नाम में ही गोल्डन है, सच में सोना है, सच में हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। देखिए पहले के जमाने में हम तो यही पीते थे हल्दी का दूध, हमारी माँ भी हमको यही देती थी रात को सोने से पहले हल्दी का दूध, सुबह उठते ही हल्दी का दूध। तो ये दिन में 2 बार लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत झट से बढ़ेगी। सच में जो भी हल्दी का दूध पीते हैं उनको मतलब ना के बराबर ही सर्दी खांसी या फिर बीमार पड़ते हैं, ना के बराबर, मतलब बहुत कम बीमार पड़ते हैं या फिर बहुत कम ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं तो अपने बच्चों को हल्दी का दूध ही देती हूँ। हल्दी का दूध बहुत बेस्ट है सच में, सचमुच ये गोल्डन गोल्डन मिल्क है। उसके बाद एक्शंस ड्यूरिंग ड्राई कफ या सोर थ्रोट, अभी देखिए ये सब के बावजूद भी किसी किसी को क्लाइमेट हो वो रास नहीं आता है, एलर्जी हो जाती है, या फिर किसी किसी का इम्यून सिस्टम थोड़ा कम होता है तो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, किसी को ड्राई कफ हो जाता है या किसी का सोर थ्रोट हो जाता है। तो क्या करना है उस समय हमको क्या करना है, स्टीम लेनी है इनहेलेशन के लिए, ताकि हमारी सांस लेने की तकलीफ वो कम हो जाए, क्योंकि देखिए कफ की वजह से हमको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो हमको क्या करना है, गर्म पानी में फ्रेश पुदीना या फिर अजवाइन अजवाइन डालनी है और उससे हमको क्या करना है, स्टीम लेना है। दिन में 1 बार भी लेंगे तभी आपको बहुत आराम मिलेगा। फिर लवंग जो होती है उसका पाउडर, जो मीन्स क्लो होती है, लवंग होती है उसका पाउडर हमको एक तो शुगर के साथ या फिर हनी के साथ हम मिक्स करेंगे और ये दिन में 2 से 3 बार लेंगे तो ये कफ और थ्रोट इरिटेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। फिर लास्ट उन्होंने बताया है कि ये जो मेजर से जनरली नॉर्मल ड्राई कफ या फिर सोर थ्रोट होता है उसके लिए हम ये यूज कर सकते, जो भी रेमेडीज बताई है। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा तकलीफ हो रही है या फिर इससे आराम नहीं मिल रहा है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और चेकअप करवाना चाहिए कि आपकी तकलीफ क्यों कम नहीं हो रही है। तो बेटर है ये, तो मीन्स हम जो बोलते हैं फर्स्ट एड, प्रथम उपचार, तो प्रथम उपचार के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं कम हो रही है, आपको ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, ज़्यादा आपको तकलीफ हो रही है, तो ज़रूर आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। तो ये जो है ये सारे गाइडलाइंस हमको किसने बताया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बताया है और ये सब गाइडलाइंस हमको फॉलो करनी है, ऐसा हमारे पंत प्रधान मोदी जी ने कहा है। तो ये गाइडलाइंस ज़रूर फॉलो कीजिए, इससे इम्यूनिटी ज़रूर बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ेगी तभी हम इस वायरस से लड़ने में हमको ताकत मिलेगी, तभी इस वायरस को, कोरोना वायरस को हम हरा सकते हैं, इससे लड़ सकते हैं और इसको भगा सकते हैं। ये वायरस से क्या कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आएगी अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो, और इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है तो ये सारे गाइडलाइंस आप फॉलो कीजिए, जितना भी हो सकते उतना फॉलो कीजिए। और हाँ, रोज के रोज आपको फ्रूट्स,
वेजिटेबल्स खाने ही खाने हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी लेवल जो है वो बरकरार रहेगी। तो आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको पसंद आया। आपको अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इम्यूनिटी लेवल कैसे बढ़ानी है उसकी गाइडलाइंस उनको भी पता चलेंगे। तो सब घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।